डॉक्टर मोहन राव भागवत जी आदरणीय प्रधानमंत्री जी उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय राज्यपाल महोदया देश के आज विद्यमान सभी पंथ संप्रदायों का प्रतिनिधित्व करने वाले हमारे संत ऋषि आचार्य गण और समाज के सब स्तरों का प्रतिनिधित्व करने वाले निमंत्रित महानुभाव आज का आनंद शब्दों में वर्णनातीत है और उसके वर्णन करने का प्रयास इसके पहले के वक्तव्यों में अच्छा हो गया है ये भी बता दिया गया है और हम जानते भी हैं कि आज अयोध्या में रामलला के साथ भारत का स्व लौट के आया है और संपूर्ण विश्व को त्रासदी से राहत देने वाला एक नया भारत खड़ा होकर रहेगा इसका प्रतीक आज का कार्यक्रम बन गया है ऐसे समय में आपके उत्साह का आपके आनंद का वर्णन कोई नहीं कर सकता हम यहां पर अनुभव कर रहे पूर्ण देश में यही वातावरण है छोटे छोटे मंदिर के सामने दूरदर्शन पर इस कार्यक्रम को सुनने वाले हमारे समाज के करोड़ों बंधु वहाँ पहुँच ना पाए ऐसे घर घर के हमारे नागरिक सज्जन माता भगिनी सब भाव विभोर है सब में आनंद है सब में उत्साह है और ऐसे समय में जोश की बातों में थोड़ी सी होश की बात करने का काम मुझे ही दिया जाता है आज हमने सुना कि इस प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में पधारने के पूर्व प्रधानमंत्री जी ने कठोर व्रत रखा जितना कठोर व्रत रखने को कहा था उससे कई गुना अधिक कठोर व्रताचरण उन्होंने किया मेरे पुराना उनसे परिचय है मैं जानता हूं वो तपस्वी है ही परंतु वो अकेले तब कर रहे हैं हम क्या करेंगे अयोध्या में रामलला आए अयोध्या से बाहर क्यों गए थे रामायण में क्यों गए थे बाहर तो अयोध्या में कलह हुआ अयोध्या उस पुरी का नाम है जिसमें कोई द्वंद्व नहीं जिसमें कोई कलह नहीं जिसमें कोई द्विविधा नहीं वो हुआ चौदह वर्ष वनवास में गए वो सब ठीक होने के बाद दुनिया के कलह को मिटाके वापिस आए आज रामलला वापस फिर से आए हैं पांच सौ साल के बाद जिनके त्याग तपस्या प्रयासों से ये सोने का दिन आज हम देख रहे सुवर्ण दिवस देख रहे हैं उनका स्मरण प्राण प्रतिष्ठा के संकल्प में हम लोगों ने कहा आपने सुना होगा स्मरण किया उनकी तपस्या को उनके त्याग को उनके परिश्रम को शत बार सहस्त्र बार कोटि बार नमन है रामलला के यहां इस युग में आज के दिन फिर वापस आने का इतिहास जो जो श्रवण करेगा वो राष्ट्र के लिए कर्म प्रवण होगा और उसके राष्ट्र का सब दुख दैन्य हरण होगा ऐसे ही इस इतिहास का सामर्थ्य है परंतु उसमें हमारे लिए कर्तव्य का आदेश भी है प्रधानमंत्री जी ने तब किया अब हमको भी तप करना है राम राज्य आने वाला है वो कैसा था दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य नहीं कहू पापा भाप, सब नरक रही परस्पर प्रीति चलही स्वधर्म निरत श्रुति नीति सब निर्दंभ धर्मरत पुनि नर नारी चतुर सब गुनी सब गुणज्ञ पंडित सब ज्ञानी सब कृतज्ञ नहीं कपट सयानी राम राज्य के सामान्य नागरिकों का जो वर्णन है हम भी इस गौरव में की संताने हैं कोटि कोटि कंठ उसका जयगान करने वाले हमारे हैं हमको इस प्रकार के व्यवहार को रखने का तप आचरण करना पड़ेगा हमको भी सारे कलह को विदाई देनी पड़ेगी छोटे छोटे परस्पर मत रहते हैं छोटे छोटे विवाद रहते हैं उसको लेकर लड़ाई करने की आदत छोड़ देनी पड़ेगी आखिर है क्या यह बात बताई वो सामान्य नागरिक कैसे थे निर्दम्भ प्रामाणिकता से आचरण करने वाले केवल बातें करने वाले नहीं और बातें करके उसका अहंकार पालने वाले नहीं थे काम करते थे आचरण करते थे और अहंकार नहीं था ऐसे वो थे और धर्मरत थे यानी क्या थे इस पर कठिन भाषा में प्रवचन बहुत लंबा हो सकता है लेकिन थोड़े में धर्म के जो चार मूल्य जिनकी चौखट पर धर्म है ऐसा श्रीमद् भागवत में बताया है सत्य करुणा शुचिता तपस उसका आज हमारे लिए युगानुकूल आचरण क्या है तो सत्य कहता है कि सब घटों में राम है ब्रह्म सत्य है वही सर्वत्र है तो हमको ये जानकर आपस में समन्वय से चलना होगा क्योंकि हम चलते हैं सबके लिए चलते हैं सब हमारे हैं, इसलिए हम चल पाते हैं और इसलिए आपस में समन्वय रखकर व्यवहार करना यह धर्म का पहला जो पहरे सत्य उसका आचरण है करुणा दूसरा कदम है उसका आचरण है सेवा और परोपकार सरकार की कई योजनाएं गरीबों को राहत दे रही सब हो रहा है लेकिन हमारा भी कर्तव्य है ये सब समाज बांधव हमारे अपने बंधु है तो जहां हमको दुख दिखता है पीड़ा दिखती है वहां हम दौड़ जाए सेवा करें, दोनों हाथों से कमाए अपने लिए न्यूनतम आवश्यक रखकर बाकी सारा वापस दे सेवा और परोपकार के माध्यम से ये करुणा का अर्थ आज है शुचिता पर चलना है यानी पवित्रता होनी चाहिए पवित्रता के लिए संयम चाहिए अपने को रोकना है सब अपनी इच्छाएं सब अपने मत सब अपनी बातें ठीक होंगी ही ऐसा नहीं